आज हम देखेंगे सॉलिड शेप्स, पेज नंबर 127 सॉलिड शेप्स। सो सॉलिड शेप्स आर हैव लेंथ, विड्थ और हाइट दैट हैज आल्सो कॉल्ड थ्री डायमेंशन और थ्री शेप्स। ओके, थ्री डी शेप्स। तो सॉलिड शेप्स यानी क्या होता है, जिसको लेंथ, विड्थ और हाइट दोनों भी, तीनों भी होती है। मतलब ऐसी चीज़ें जिसको लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, सॉलिड शेप। जैसे कि ये देखिए, इस ये मेरे चश्मे का बॉक्स है, यहाँ पे लेंथ भी है, उसके बाद विड्थ भी है और ये हाइट, और ये हाइट भी है, इतना ऊंचा है। सो विड्थ, ये हाइट हुई, ये विड्थ हुई और ये लेंथ हुई, इतनी लेंथ बड़ा है। सो दिस इज कॉल्ड सॉलिड शेप। तो ऐसे चीज़ों को सॉलिड शेप कहा है, जिसको लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, तो ऐसे चीज़ों को हम सॉलिड शेप्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, बॉल, बुक, डाइस, और सॉलिड शेप कई तरह के होते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं, जैसे बॉल, फुटबॉल, इस टाइप से। ओके, और उसके बाद सॉलिड शेप, द फर्सेस द सर्फेस ऑफ सॉलिड शेप इज कॉल्ड फेस। जो सॉलिड शेप का जो फेस होता है, मतलब इसको क्या कहेंगे, फेस कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, फेस। उसके बाद जहाँ पे लेंथ और विड्थ फॉर्म होती है, वहाँ पे इसको ये लाइन को, इसको क्या कहेंगे, एज, काट, किनारा, इसको क्या कहेंगे, एज। ओके, इसको एज कहेंगे। एंड ये जो नुकीले पॉइंट्स है ये वाले, इसको क्या कहेंगे हम, वर्टेक्स। सो याद रखे, फिर से बताता हूँ, इसको कहेंगे हम फेस, ये सॉलिड शेप की बात चल रही है, इसको कहेंगे हम फेस, इसको कहेंगे ये किनारा, इसको कहेंगे एज और इसको कहेंगे हम वर्टेक्स। ओके, इन दिस वे वी हैव लर्न फेस, एजेस एंड वर्टेक्स। नेक्स्ट, अब देखेंगे हम सॉलिड शेप के कुछ पार्ट्स। पहला सॉलिड शेप हम देखेंगे, पहला सब सॉलिड शेप देखेंगे हम क्यूब। क्यूब यानी डाइस, जो हम गोटी होती सांप सीढ़ी खेलने को ऐसे घुमाते, दैट इज कॉल्ड क्यूब। वो किस तरह होता है, इस तरह, इस तरह होता है। ओके, सो इसे कहेंगे हम क्यूब। इसे इसे कितने फेसेस होते हैं, फेस यानी ये वाला पार्ट, ये उसके नीचे साइड में, तो इसको कितने फेसेस होते हैं, सिक्स फेसेस होते हैं। ओके, सिक्स फेस। उसके बाद वर्टेक्सेस कितने होते हैं, ये नुकीले भाग, ये नुकीले कितने होते हैं, वो होते एट वर्टाइसेस, वर्टाइसेस। और इसके एजेस, दिस इज द एजेस, ये की जो एजेस मैंने बताया था आपको, एजेस। ओके, दिस इज द, दिस आर द एजेस, वो कितने हैं, वो होते हैं 12। तो ये याद रखे, सिक्स फेसेस होते हैं, एट वर्टाइसेस होते हैं एंड 12 एजेस होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो अगर हम, आप देखे जाए तो आप देख सकते हैं, आप क्यूब को देख गिन के, सो वो 12 निकलेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो एवरी फेस इज अ स्क्वायर। और जो जितना, जो सब क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। कौन से शेप के होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर शेप के होते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं, आइस, गिफ्ट्स, उसके बाद ये जो हम खेलने के लिए यूज करते हैं, कलर मैच करते हैं, सो इस डाइस, सो दिस इज आल्सो क्यूबॉइड, क्यूब्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न क्यूबॉइड। सेकंड इज क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड ऐसी चीज़ है जो स्क्वायर की, मतलब रेक्टेंगल होते हैं, जैसे मैच बॉक्स, मैंने बताया था मैच बॉक्स, ये मैच बॉक्स, तो इसे कहेंगे हम क्यूबॉइड, जिसके वही सेम सिक्स फेसेस, सिक्स फेस होते हैं, फेस यानी ऊपर का पार्ट, उसके बाद एट वर्टाइसेस होते हैं, वर्टाइसेस यानी ये नुकीला पार्ट,
उसके बाद 12 एजेस होते हैं, 12 एज यानी किनारा, 1 2, तो ये किनारे किनारे जहाँ पे लेंथ और विड्थ मैच करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो सेम विद द क्यूब्स, 6 फेस 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। ओके, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट ईच और सबका फेस। सो ईच फेस, सब इसमें डिफरेंट पार्ट क्या है, ईच फेस इज रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल है ये जो पार्ट है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। मतलब अगर आप देखा जाए, जैसे कि ये बुक देखो कैसे, कौन सा शेप है, रेक्टेंगल। इसकी लेंथ है, विड्थ है और ये हाइट है। ये देखिए हाइट कितना ऊंचा है, दैट इज कॉल्ड हाइट। ओके, सो दिस, ये हाइट, ये लेंथ और ये विड्थ। ओके, सो दिस आर द, उसमें कितना, ये फेस हो गया, ये वर्टाइसिस हो गया, ये वाले जो किनारे जो कॉर्नर्स होते हैं, उसके बाद एजेस, किनारा, दिस आर द किनारे एजेस, वो है 12। ओके, एंड ईच फेस इज रेक्टेंगल, और ये कौन सा फेस है, रेक्टेंगल है, कौन सा है, रेक्टेंगल। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न स्पीयर। स्पीयर इज वेरी सिंपल, आप जो बॉल से खेलते हैं, तो फिर वो फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट का बॉल हो, सो दैट इज कॉल्ड स्पीयर। वो बस राउंड शेप का होता है। ओके, राउंड शेप, ओनली वन फेस, एक ही फेस होता है, दैट इज कर्व फेस। मतलब कर्व यानी गोल, कर्व, कर्व शेप होता है। इसमें नो वर्टेक्स, नो वर्टाइसेस, नो फेसेस, नो एजेस, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, ओनली कर्व शेप होता है। क्या होता है, कर्व शेप होता है, याद रखिए, ओनली वन कर्व शेप स्पीयर के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नो वर्टिसेस, नो फेस, नो एजेस, ओनली कर्व शेप। कर्व क्या होता है, बॉल को कर्व, मतलब गोल होता है, सिर्फ कर्व होता है। सो नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल है बॉल, आवर अर्थ एंड फुटबॉल, सच आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पीयर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न कोन। बर्थडे की कैप शायद सभी ने देखी होगी, आप बर्थडे में जो सर पे कैप पहनते हो कौन शेप की होती है, सो दिस इज बर्थडे कैप। ओके, बर्थडे कैप जो होती है, सो बर्थडे कैप को क्या क्या होता है, दिस इज वर्टेक्स होता है, ये कर होता है क्योंकि ऐसा होता है पूरा, ये वाला शेप पूरा ऐसा होता है, कर्व शेप मतलब कर्व फेस। उसके बाद ये वाला कर्व एज, और ये जो होता है ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड फ्लैट सर्कुलर फेस। दिस इज वर्टेक्स, दिस इज कर्व फेस। ओके, ये वाला, और उसके बाद ये कर्व एज, ये जो होता है कर्व एज, ये वाला, ये क्या होता है, कर्व एज, उसका अंदर का पार्ट, उसे बोलते हैं फ्लैट सर्कुलर फेस, फ्लैट सर्कुलर फेस। ओके, इसमें कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस होते हैं, आई मीन 2, वन इज फ्लैट सर्कुलर फेस एंड अदर इज कर्व। मतलब 2 फेसेस कौन से, पहला ये, 2 फेसेस होते हैं, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, ये जो गोल होता है इस तरह का, सो दिस इज द सेकंड वन। ओके, पहला ये, सेकंड ये, और वन कर्व एज, एज होता है, बस एज कितना होता है, 1, देखिए ये वाला देख रहे हैं, बस ये एक ही एज है। ओके, और कोई, और वर्टेक्स भी एक ही है, 1 वर्टेक्स, 1 कर्व एज एंड 2 फेसेस, दैट इज दिस एंड दिस। ओके, सो इन दिस वे वी हैव लर्न कोन। एक से एग्जाम्पल है बर्थडे की, क्या आइसक्रीम या फिर गाजर। ओके, नाउ द लास्ट वन इज सिलेंडर। आपके घर में गैस सिलेंडर भी होगा, तो उससे वो भी एक सिलेंडर ही है। सिलेंडर, सो सिलेंडर क्या होता है, दोनों तरफ फ्लैट कर्व फेस होते हैं, और इसको ड्रॉप कर देते हैं, सो दिस इज सिलेंडर। सो ये होता है, हमें अभी देखा फ्लैट
सर्कुलर फेस, ये भी फ्लैट सर्कुलर फेस। उसके बाद ये की क्या है, एज, कर एज। एंड नेक्स्ट वन इज ये है काउड कर्ड फेस। ये क्या है, कर्ड फेस मतलब गोल, ऐसे को क्या कहेंगे हम, कर्ड फेस। ये फ्लैट सर्कुलर फेस, ये जो होता है फ्लैट सर्कुलर फेस, दिस इज ऑल्सो फ्लैट सर्कुलर फेस, ओके। और ये होते एजेस, काट किनारा, ये कितने हैं, दो है, ओके। सो इसको फेसेस कितने होते, इसको होंगे थ्री फेसेस, दिस वन एंड दिस वन। सो इस तरह थ्री फेसेस होंगे। उसके बाद एजेस कितने होते हैं, टू कर्वेजेस, ये एक और ये एक। सो टू कर्व एजेस होते हैं, थ्री फ्लैट थ्री सरफेसेस होते हैं, ओके। ये सभी ने याद रखना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि किस कि कौन से शेप को क्या क्या होता है, ओके। सो इज दिस वे वी हैव लर्न सिलेंडर। सो द एग्जाम्पल्स आर ड्रम, कैन, जो घर में हम पानी स्टोर करने के लिए हमारी टंकी होती है, दैट्स टैंक, वाटर टैंक, ओके। इन दिस वे वी हैव लर्न ऑल द शेप्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज 7.5। और ये सभी ने अपने किताब में लिख लेना है। फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स। अ स्पीयर हैज वन, स्पीयर को क्या होता है, फेस कौन सा होता है, फ्लैट होता है या कर्व, यस, क्या होता है, स्पीयर को कर्व शेप्ड होता है, ओके। नेक्स्ट, अ कोन हैज अ कोन, कितना कर्व फेस होता है, वन या टू, कर्व फेस यानी वन, ये जो हमने देखा था कोन, देखिए कितना कर्व फेसेस है, कर्व फेस कितने हैं, टू, वन इज दिस नीचे का पार्ट और नीचे का पार्ट और दूसरा कर्व फेस ये वाला। सो दिस आर द टू फेसेस, सो हैविंग टी टी डब्ल्यू टू। नेक्स्ट, इनको क्यूबॉइड इज फेसेस, क्यूबॉइड में हर फेस कौन से शेप का होता है, देखिए क्या है लिखा है यहाँ पे, रेक्टेंगल, यस। सो वी हैव टू राइट इट डाउन यहाँ पे, यह रेक्टेंगल। नेक्स्ट, अ चौक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हम चौक चौक से लिखते हैं, सो कौन से शेप का होता है, देखिए ये भी चौक जैसा है, कौन से शेप का है, देखिए यहाँ पे फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे फ्लैट कर सरफेस है, और ये पूरा कर सरफेस है, कर गोल है, तो कौन सा शेप हुआ, यस राइट, सिलेंड्रिकल। और क्यूब हैज, क्यूब को कितने फेसेस होते हैं, जो डाइस हम यूज करते हैं या फिर उसको कितने फेसेस होते हैं, यस राइट, सिक्स, ओके। नेक्स्ट, अ बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बॉल, जो बॉल हम यूज करते हैं वो कौन सा एग्जाम्पल है, यस दैट इज स्पीयर, ओके, कौन सा शेप का होता है, स्पीयर। नाउ नेक्स्ट, विच वन, वन वर्ड, गिव वन वर्ड आंसर। अ सॉलिड विच हैज ओनली थ्री फेसेस, अब अ सॉलिड विच हैज ओनली थ्री फेसेस, ऐसा सॉलिड है जिसको थ्री फेसेस होते हैं, तो बताइए ऐसा कौन सा हुआ, देखिए कौन से थ्री फेसेस है, यहाँ पे सिक्स फेसेस है, यहाँ पे टू फेस ही नहीं है, यहाँ पे टू फेसेस है, यहाँ पे देखिए सिलेंडर, यस थ्री फेसेस दिखाइए, सो विच वन इज दैट, सिलेंडर, यहाँ पे लिखिए सिलेंडर, ओके। स्पेलिंग अच्छी से आनी चाहिए, सी वाई एल आई एन डी आर। नेक्स्ट, और सॉलिड विच हैज ओनली वन फेस, इसको वन फेस होता है ओनली, देखिए वन फेस किसको है, देखिए वन कर्व फेस किसे है, स्पीयर को, तो यहाँ पे आएगा स्पीयर। उसके बाद द सॉलिड विच हैज ओनली वन एज, सिर्फ वन एज होता है, देखिए वन एज कहाँ पे है, या पे इसको ट्वेल्व एज होते हैं, इसको नो एज होते हैं, इसको वन कर्व एज, देखिए सो व्हाट इज दिस कोन, तो थर्ड इसमें आएगा कोन। एंड इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व डी एंड ई, आप अपने मन से करिए, ओके। नेक्स्ट, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए, वो कौन से शेप के, वो हमें पहचानना है। ट्यूबलाइट, जो हमारे घर में ट्यूबलाइट होती है वो कौन से शेप की होती है, ऐसी ट्यूबलाइट होती है, कौन से शेप की, यस सिलेंड्रिकल की हो सकती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट कौन से शेप का होता है, यहाँ पे सिलेंडर है
और यहाँ पे कोन है, ओके। सो सिलेंडर और कोन है, तो इसमें कौन से शेप का होगा, या ट्यूबलाइट कौन से शेप का होता है, ये देखिए ये ट्यूबलाइट है, ये है सिलेंडर। सो यहाँ पे आएगा सिलेंडर को टिक कीजिए। नेक्स्ट डाइस, क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब यानी स्क्वेयर, क्यूबॉइड यानी रेक्टेंगल। डिवाइस डाइस कौन सा शेप का होता है, यस क्यूब। और बुक किताब, ये देखिए किताब कौन से शेप की है, क्यूबॉइड, इट्स नॉट अ क्यूब, इट्स अ क्यूबॉइड। उसके बाद ग्लोब, ग्लोब यानी अर्थ, जो अर्थ वो कौन से शेप के होता है, सिलेंडर या स्पीयर, यस दैट इज स्पीयर, स्पीयर शेप का होता है। और ये ई और एफ आप सॉल्व कीजिए, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आए, आप खुद सॉल्व कीजिए, ओके। और अगर आपको नहीं समझा तो आप रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं। सो थैंक यू।